नमस्कार, आओ सीखो के स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपका स्वागत। मैं कैलाश शर्मा इस वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूँ हाउ टू इंट्रोड्यूस समवन, यानी परिचय कैसे देना, परिचय कैसे लेना। चाहे परिचय हमारा अपना करवाना हो या किसी और का लेना हो, या हमें किसी व्यक्ति का परिचय किसी अन्य व्यक्ति से कराना हो, अल्टीमेटली हमें वही सारी चीजें काम आएगी जो इंट्रोडक्शन में जरूरी होती है। जब भी इंट्रोडक्शन दिया जाता है तो उसमें नाम, पता, उम्र, शौक, काम, धंधा, प्रोफेशन, ये सब चीजें उसमें शामिल होती है। पर हम शुरुआत करते हैं नाम से। हम इतना जरूर रिवाइज कर लें कि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो पहली बार मिलने पर हम परिचय देते या लेते हैं। जाने हुए लोगों को जिन्हें हम पहले से जानते हैं उनके साथ तो हम हमेशा ग्रीटिंग करेंगे और हाउ आर यू पूछेंगे, पर अनजान व्यक्ति को जाकर के तो हम हाउ आर यू पूछने से रहे। इसलिए हमें अनजान व्यक्ति से पूछना होता है कि उसका नाम क्या है, और हमें अपना नाम भी उसे बताना होता है। कई बार व्यक्ति की रुचि थोड़ी ज्यादा होती है, वो जानना चाहता है आप करते क्या हैं, आप रहते कहाँ हैं, आपका शौक क्या है, आपकी उम्र क्या है, और ये जरूरत होने पर ये भी हमें अपने परिचय के तहत बताना होता है और लोगों से हमें ये जानकारियां ज्ञात करनी होती है। तो चलिए हम चलते हैं, परिचय की शुरुआत करते हैं। और परिचय की शुरुआत होती है अपना नाम बताने से, और अंग्रेजी में उसका सीधा सच्चा तरीका है, कहें माय नेम इज कैलाश शर्मा। आपका नाम आप बोलिएगा, मेरा नाम मैं बोल रहा हूँ, माय नेम इज कैलाश शर्मा। जैसे ही मैंने कहा माय नेम इज कैलाश शर्मा, तो एक प्रश्न आया, क्या हमेशा माय नेम इज कैलाश शर्मा ही बोलेंगे या कुछ और भी हो सकता है? तो एक और विकल्प है इसका, वो है आई एम कैलाश शर्मा। आई एम कैलाश शर्मा शॉर्टेंड वर्जन है आई एम का, माय नेम्स शॉर्टेंड वर्जन है माय नेम इज का। तो स्पोकन इंग्लिश में यही तो है कि जो बड़े रूप हैं उनको हम लघु रूप में यानी छोटे रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। माय नेम्स कैलाश शर्मा, आई एम कैलाश शर्मा। जैसे ही मैंने किसी को अपना नाम बताया, संभव है सामने वाला भी मुझे अपना नाम बताए। पर मोटे तौर पर यह देखा गया है, और अंग्रेजी का ऐसा दस्तूर है, ऐसा रिवाज है, कि वहां पर पहली बार जब किसी को किसी का नाम मालूम चलता है तो वो हाउ डू यू डू कहता है। हाउ डू यू डू को लेकर के बहुत सारे कयास लगाए जाते हैं, और एक बहुत बड़ा भ्रम सब तरफ फैला हुआ है, खास करके हिंदी भाषा भाषी लोगों के बीच में, कि हाउ डू यू डू हालचाल पूछने का एक तरीका है। बिल्कुल गलत। हाउ डू यू डू का इस्तेमाल हालचाल पूछने के लिए कभी नहीं किया जाता। दरअसल जिन लोगों को हम जानते हैं, हमारे परिचित लोगों के साथ हम हाउ डू यू डू का इस्तेमाल कभी नहीं करते। केवल अनजान लोगों से बात करते समय पहली बार, जिंदगी में पहली बार हम हाउ डू यू डू बोलते हैं जब वो हमें अपना नाम बताते हैं। हमने अपना नाम बताया तो सामने वाला व्यक्ति कहेगा हाउ डू यू डू मिस्टर शर्मा। ये है तरीका हाउ डू यू डू को इस्तेमाल करने का। पर अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया जाता है और बहुत ज्यादा मिसयूज किया जाता है। थोड़ी सी अगर हम जहमत उठाएं, थोड़ा सा कष्ट करें, और अगर हम डिक्शनरीज में जाकर के देखें, कुछ अच्छी स्टैंडर्ड डिक्शनरीज, लोकल डिक्शनरीज नहीं, ऑक्सफोर्ड ले लीजिए, कॉलिंस ले लीजिए, इस तरह की कोई स्टैंडर्ड डिक्शनरी उठाइए, और उसमें आप देखिए हाउ डू यू डू एक एक्सप्रेशन की तरह सिखाया गया है, और वहां लिखा हुआ है दिस इज एन एक्सप्रेशन यूज्ड बाय पीपल व्हेन दे मीट वन अनदर फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार मिलने पर ही इसका प्रयोग होता है। तो हम ये बात अच्छी तरह से समझ लें। अब नाम जैसे ही मैंने बताया, सामने वाले ने कहा हाउ डू यू डू, अब मैं उससे उसका नाम पूछ सकता हूं, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, मे आई नो योर गुड नेम प्लीज, व्हाट्स योर गुड नेम। ये गुड नेम लगाने से वो शुभ नाम जैसा हो जाता है, और थोड़ी सी फॉर्मेलिटी और इन्वॉल्व हो जाती है। आधुनिक जमाने में फॉर्मेलिटीज को कम किया जा रहा है, पर अभी भी कुछ सर्कल्स ऐसे हैं जहां पर इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये आपका डिस्क्रिशन, आपका विवेक है। तो आप ये देखें कि कहां पर
आपको गुड लगाने की जरूरत महसूस होती है, नहीं होती है तो आप सीधा पूछे व्हाट्स योर नेम या मे आई नो योर नेम प्लीज, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। और सामने वाला व्यक्ति जैसे ही अपना नाम बताए, मान लीजिए उसने कहा आई एम राजेश जैन, तो आप कहिए हाउ डू यू डू मिस्टर जैन। ये हाउ डू यू डू लगाना अच्छी तरह से सीख लीजिए। नाम बताना उसके साथ में हाउ डू यू डू का इस्तेमाल करना, ये एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे चलता है इसे हम कॉन्वर्सेशन के द्वारा सीखते हैं। तो हम छोटे छोटे डायलॉग लेते हैं और हम समझते हैं कि एक काल्पनिक स्थिति में मिस्टर जैन और मिस्टर गुप्ता जो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते हैं कैसे एक दूसरे से बात करते हैं। तो चलिए अब हम लेते हैं डायलॉग वन। मिस्टर गुप्ता जैसे ही मिस्टर जैन को देखते हैं अपना परिचय देते हैं, कहते हैं हाय आई एम नरेंद्र गुप्ता। इस पर मिस्टर जैन कहते हैं हाउ डू यू डू मिस्टर गुप्ता, माय नेम इज राजेश जैन। मिस्टर गुप्ता कहते हैं हाउ डू यू डू मिस्टर जैन। इसमें आपने देखा कि पहले मिस्टर गुप्ता ने हाय आई एम नरेंद्र गुप्ता बोला, इस पर मिस्टर जैन को चूंकि उनका नाम पता चल गया था उन्होंने कहा हाउ डू यू डू मिस्टर गुप्ता, फिर उन्हें अपना परिचय बगैर मांगे दे दिया माय नेम इज राजेश जैन। तब मिस्टर गुप्ता को चूंकि उनका नाम अब मालूम पड़ा है इसलिए वो कहते हैं हाउ डू यू डू मिस्टर जैन। अक्सर इसके साथ हाथ भी मिलाया जाता है, शेक हैंड्स किए जाते हैं और शेक हैंड्स के साथ ही आप कहते हैं हाउ डू यू डू। दूसरी सिचुएशन की हम कल्पना करते हैं जिसमें मिस्टर जैन और मिस्टर गुप्ता अगेन एक दूसरे से बिल्कुल अननोन नितांत अपरिचित ये मिलते हैं कहीं पर और मिस्टर जैन शुरुआत करते डायलॉग की हेलो आई एम राजेश जैन व्हाट्स योर नेम। मिस्टर गुप्ता कहते हैं हेलो माय नेम इज नरेंद्र गुप्ता। दोनों को अब एक दूसरे का नाम मालूम चल चुका है इसलिए दोनों एक दूसरे को प्राय एक साथ कहते हैं हाउ डू यू डू और इसी के साथ में हाथ मिलाते हैं, इसी के साथ में शेक हैंड्स की फॉर्मेलिटी भी पूरी होती है और हाउ डू यू डू भी बोला जाता है। तीसरी सिचुएशन लेते हैं जिसमें मिस्टर जैन और मिस्टर गुप्ता जो एक दूसरे को जानते हैं मिलते हैं, पर इस बार परिचय की बारी है मिस्टर जैन के द्वारा अपनी पत्नी का परिचय कराने की। तो वो अपनी पत्नी का परिचय मिस्टर गुप्ता से करा रहे हैं और वहां पर मिसेस जैन यानी कि मिस्टर जैन की वाइफ वो मिस्टर गुप्ता को नहीं जानती है। अब इस सिचुएशन की आप कल्पना कर लीजिए और देखिए डायलॉग किस तरह से प्रोसीड होता है। मिस्टर जैन कहते हैं हेलो मिस्टर गुप्ता प्लीज मीट माय वाइफ सरिता जैन। सरिता दिस इज मिस्टर नरेंद्र गुप्ता। यहां आपने गौर किया होगा कि पहले वो मुखातिब थे मिस्टर गुप्ता की तरफ और दूसरी बार उन्होंने अपनी पत्नी का रुख किया और पत्नी से कहा कि अब आप मिस्टर गुप्ता से मिले। यानी आपने देखा होगा कि यह डायलॉग में छोटा सा ट्विस्ट है। ध्यान से फिर से सुने हेलो मिस्टर गुप्ता प्लीज मीट माय वाइफ सरिता जैन। सरिता दिस इज मिस्टर नरेंद्र गुप्ता। तो जहां से उन्होंने कहा सरिता वहां से वो अपनी पत्नी की ओर देखने लगे और उनसे उन्होंने कहा कि ये नरेंद्र गुप्ता है। मिसेस जैन और मिस्टर गुप्ता दोनों अब एक दूसरे का नाम जानते हैं इसलिए दोनों एक साथ कहेंगे हाउ डू यू डू। यही है तौर तरीका अंग्रेजी में पहली बार मिलने पर अपना नाम बताने का और नाम बताने के बाद हाउ डू यू डू बोलने का। तो आपने देखा होगा कि छोटे से कॉमन से एक्सप्रेशन हाउ डू यू डू को कितना मिसयूज किया जाता है और कितना कंफ्यूज किया जाता है और कोई समझ ही नहीं पाता कि इसका मतलब हालचाल पूछना नहीं है और ये पहली बार का नमस्ते है। क्योंकि हिंदी में ऐसी कोई चीज होती ही नहीं पहली बार का नमस्ते, इसलिए हम कल्पना भी नहीं कर पाते और इसे उठा करके हम हालचाल पूछने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। जब दो अलग अलग एक्सप्रेशन है तो उनके दो अलग अलग यूजेस भी होंगे और अलग अलग अर्थ भी होंगे। हाउ आर यू का इस्तेमाल करें हालचाल पूछने के लिए, हाउ डू यू डू का इस्तेमाल करें पहली बार मिलने पर अभिवादन करने के लिए। तो ये हुई बात हमारे नाम के बारे में जानकारी देने की और जानकारी लेने की, पर परिचय तो अभी शुरू ही हुआ है। परिचय में काफी चीजें शामिल की जाती है, आपका व्यवसाय क्या है, आप रहते कहाँ पर हैं, हमारे मन में कई जिज्ञासाएं होती है जिससे हम मिल रहे हैं, वो किस उम्र का व्यक्ति है, वो किस देश या किस प्रदेश या किस शहर से आया है, उसके शौक क्या हैं, वगैरह वगैरह।
तो ये जो जानकारियां हमें लेनी है, कैसे ली जाती है, कैसे दी जाती है, हम जानेंगे और समझेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे हमारे YouTube चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियोस की जानकारी हम आपको दे सकें। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।